इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केराकत से विधायक हैं माननीय तूफानी सरोज जी। सर, यहाँ पर आए हैं आप, जिस तरीके से पीड़ित परिवार बताया जा रहा है, इसके कुछ पहले भी विवाद हुआ था रास्ते को लेकर, लेकिन अचानक किसी की मौत हो जा रही है और अभी तक ऑनलाइन एफआईआर भी नहीं दिख रहा है जो दर्ज होना चाहिए। देखिए, ये जो यूसु है, मामूली सी बात विवाद का, वो इतना बड़ी घटना जो घटित हुई है, जिस तरह से घटना घटी है, यह बहुत खेदपूर्ण है। हम ही नहीं, सारे लोग इस घटना से काफ़ी दुखी है, शोकाकुल हैं। पूरा क्षेत्र के लोग जो है संतोष यादव की मृत्यु से दुखी है, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था, किसी से न झगड़ा झंझट, न किसी तरह का किसी से मनमुटाव, ऐसा कुछ कोई बात नहीं रही है। और रही ऑनलाइन की जो बात है, तो ऑनलाइन होगी, बात की जाएगी। जब घटना घटी है, नाम एप्लीकेशन दिया गया है, तो वो पूरा जो है कि कानून अपना काम करेगा। इस सरकार में अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है, अपराध पर कोई अंकुश नहीं है, अपराधियों के खिलाफ कड़क कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आए दिन कोई न कोई घटनाएँ घटती रहती हैं। ये सरकार में जो है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। कहीं कहीं सर बताया जा रहा है जो आरोपी है उसके पिता दरोगा हैं, कहीं दबाव बनाया जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है, पीड़ित परिवार बता रहा है। ऐसा दबाव नहीं काम करेगा, दरोगा है जो पक्ष वाले, वो अपना हर तरह से तो प्रयास करेंगे बचने के लिए, लेकिन जो है वो बच नहीं पाएंगे। जब वो एक घटना है तो उसका खुलासा हुआ है, और जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। धन्यवाद सर, सब पूरे परिवार के साथ। धन्यवाद सर।